कुरुक्षेत्र के थानेसर से बीजेपी विधायक सुभाष सुधा ने भी हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर शपथ ली है। उनसे खास बातचीत की हमारे नेटवर्क 10 संवाददाता ने। मंत्रिमंडल का आज विस्तार हुआ है। अगर हम हरियाणा की बात करें तो जिस तरीके से कुरुक्षेत्र के से लोकसभा सांसद नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो वहीं कुरुक्षेत्र के थानेसर से विधायक सुभाष सुधा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर इन्होंने यहां शपथ ली है। मेरे साथ हैं और इनके साथ इनकी धर्मपत्नी भी है, बेटा भी है। और क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जिस तरीके से राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर आपने शपथ ली है सर, और कुरुक्षेत्र से ही नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री भी हैं, किसका आभार व्यक्त करना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय राष्ट्रपति जेपी नड्डा जी का, पूर्व में हम सबके मार्गदर्शन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, हमारे जो मुख्यमंत्री है श्री नायब सिंह सैनी जी का, तमाम संगठन का दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे पे विश्वास रखकर आज मुझे राज्य मंत्री बनाया है। और मैं तो कहूँगा जिस स्थल से मैं आया हूँ, जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और हमने वहाँ पर बहुत काम किया, आज जो कृपा बरसी है श्री कृष्ण भगवान की बरसी है, क्योंकि 4,000 करोड़ से ऊपर हमने विजन के द्वारा वहाँ पर काम किया है। जहाँ पर गीता जयंती का अवसर 5,000 लोग आते थे, आज 30 लाख लोग गीता जयंती के आते हैं। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार करा है, ये आदरणीय मनोहर लाल जी के मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में हुआ है। और इसके साथ साथ मेरी वाइफ वहाँ पर लगातार मेरे रही है, मैं धन्यवाद करूँगा जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर किसी प्रकार की किटियाँ किसी में किसी प्रकार का मन के अंदर बहुत इच्छा होती है फिल्म में जाने का, कि सब कुछ त्याग कर सारा जीवन मेरे साथ व्यतीत किया। इसी तरह मैं साहिल जी का भी धन्यवाद करूँगा जिनकी 2 छोटियाँ कोई नहीं और मिसाल बेटियाँ हैं, उनके उनकी केयर ना करके और मेरे साथ पापा की खुशी के लिए, आज वो भावुक भी हुआ है खुशी के लिए, उसने भी त्याग कर मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर काम कर रहे हैं, तो मैं इस परिवार का भी धन्यवाद करता हूँ और खासतौर पर संगठन का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सुभाष सुधा कुरुक्षेत्र के थानेसर से विधायक हैं और कुरुक्षेत्र लोकसभा चुनाव प्रभारी भी इन्हें बनाया गया है। इनका कहना है कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर इन्होंने आज शपथ ली है और ऐसे में प्रधानमंत्री का इन्होंने आभार जताया है और क्या कहा है कि हरियाणा को विकास की ओर लिया जाएगा। कैमरामैन गणेश के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।